जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने चक्रधरपुर विधानसभा के ईचाकोटी गांव में चुनावी सभा की। इस चुनावी सभा में हेमंत सोरेन ने पार्टी प्रत्याशी सुखराम उराव के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने बीजेपी की सरकार के साथ साथ आरजेएसयू और जेवीएम पर भी जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन सब एक हैं। हेमंत सोरेन ने मौजूदा रघुवर सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। तक जो इन लोगों ने इस राज्य में उत्पात मचाया है, रघुवर दास जी और केला छाप वाला मिलकर के किस राज को तहस नहस करके रख दिया। ये सरकार मुख दर्शक बनकर के सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट में लगी हुई है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लूट हो रही है, शौचालय के नाम पर लूट हो रहा है, गैस चूल्हा बांटने के नाम पर लूट हो रहा है, झारखंड मोमेंटम के नाम पर इन लोगों ने हाथी उड़ाने का काम।